वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आप लोगों का स्वागत है मुसाफिर की एक और नई वीडियो में। सो दो बार इसलिए बोला कि भाई ऐसे मेरा मन था, मैंने बोला कुछ डिफरेंट। लोग कहते थोड़ा इंट्रो चेंज करो, तो भाई इंट्रो दो बार ही बोल दिया। आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा। सो भाई आज स्पेशली उन भाइयों के लिए वीडियो है जो मेरे को कह रहे थे कि भाई जिप्सी की बिल्कुल बिल्कुल आखिरी वाली वीडियो, जिसके बाद आप जिप्सी के बारे में वीडियो नहीं बनाओगे तो वो कब आएगी। तो ऐसी कोई मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि जिप्सी के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं आएगी, लेकिन जो मेरी जिप्सी सीरीज थी फ्रॉम स्क्रैच टू बिल्कुल BMW ऑडियो वाली फीलिंग में, उसका आज ये सबसे लास्ट है। और अगेन इसकी मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग मुसाफिर जिप्सी लिखोगे बेसिकली प्लेलिस्ट पे मेरे दिख जाएगा, उसके अंदर सारी वीडियोस है। पता नहीं कितनी बनाई है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स भाई, मतलब इतना प्यार करने वाले, इतना कमिटमेंट करके मेरे को बोलने वाले, हाँ भाई आपकी गाड़ी हम देखने आएंगे, सब लोग गाड़ी देखने भी आए भाई, मतलब आप लोगों का प्यार अंधा है। और इसीलिए मुसाफिर आज आप लोगों के सामने है और आप ही हो जिसने मुसाफिर को बनाया है। लेकिन आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। सो इट्स अ फाइनल वीडियो ऑफ माय सीरीज मुसाफिर जिप्सी। तो मुसाफिर की जिप्सी के ऊपर ये फाइनल वीडियो है। इसमें मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी को करीबन कुछ भी नहीं, तो स्पीडोमीटर बंद होने से पहले पहले अगर आप देखते हो तो मैंने 1400 कुछ चला लिया था। आज स्पीडोमीटर ऑन हो गया, वो भी चेक करा दूंगा, जो वैसे कांपता था वो भी सॉर्ट आउट हो गया, नई तार डलवा दी है। तो भाई मेरा इतने टाइम में क्या एक्सपीरियंस था सबसे पहले वो शेयर करूंगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने पैसे मैंने स्पेंड किए टोटल A to Z, एक एक चीज मैं रिवील करने वाला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गाड़ी की जितनी भी मैंने पूरी मतलब बॉडी बनवाई थी, जो भी चीज करवाई थी, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इसमें टायर्स के भी इंक्लूड करके आप लोगों को बता दूंगा क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि बहुत सारे भाई है जो मेरे से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो भाई जवाब जो है मैं इसके थ्रू दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है और भाई वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लाइटिंग करवाई थी मैंने, क्या वो लाइटिंग सक्सेसफुल है या खत्म है, क्या है वो आपको बताना है मैंने। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या मैं अपनी जिप्सी से खुश हूं कि नहीं हूं, और इसमें एवरेज भी आएगी भाई, एवरेज भी बताऊंगा कि एवरेज से मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, क्या हूं। सो आज की वीडियो जो है भाई वो थोड़ी सी अलग है, भाई आप लोगों को गाड़ी वाड़ी भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बाहर जाके अलग अलग स्पॉट्स में जाके जहां पर लाइटिंग अच्छी हो वहां पर बैठ के आप लोगों से इस बारे में साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सबसे पहली चीज आप लोग चेकआउट कर लो भाई, यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, तो स्पीडोमीटर में जो जर्किनेस थी और जो स्पीडोमीटर बंद ही हो गया था, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और भाई सबसे जो बेस्ट चीज है भाई इसके अंदर, भाई वो हिलने वाला जो सीन था ना, बड़ा अजीब सा लगता था, ऑड सा लगता था, तो ये चीज़ हो गई है सॉर्ट। न्यू वायर डलवाई है, जो हल्की फुल्की दिक्कतें थी वो भी ठीक हो गई है। तो भाई ये तो आ गया मेरे को मज़ा। तो अब किसी जगह रुकता हूँ और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई किस बजट में ये सारा गाड़ी का काम हुआ। मैं लिटरली हवा में उड़ने को हो रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी लगा रखी है इधर ही नॉर्थ वेस्ट से पहले पहले जगह है जहाँ पर चर्च पड़ता है। तो भाई देखो एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कितनी टोटल प्राइसिंग है, अगर थोड़ी आवाज़ में हवा हवा लगे तो। भाई दिल्ली में आज बहुत तगड़ा मौसम हो रखा है, बारिश भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो जहाँ तक बजट के बारे में, भाई मैंने टोटल गाड़ी में लगा दी है 6,30,000 रुपये, 6,30,000 रुपीज़ मैं इसमें ऑलरेडी लगा चुका हूँ। आप लोगों को बता देता हूँ, गाड़ी परचेज जब की थी, जो बनवाई थी विदाउट टायर्स, इस गाड़ी ने मेरे को कॉस्ट किया था 3,00,000 रुपये, ठीक है, 3,00,000 रुपये की मेरे को गाड़ी पड़ी थी। उसके बाद मैंने इसमें टायर्स लगाए, सारी ताम झाम इंक्लूडिंग एसी वेसी सब कुछ मिला के ये मेरे को 6,25,000-6,30,000 के बीच में पड़ चुकी है। और ये जो है भाई ये टोटल कॉस्ट है, टोटल बजट है जो कि मेरी गाड़ी में लगने में पूरा लगा है। अगेन आप लोगों के लिए ये चीज़ डिफर कर सकती है अगर आप लोग कुछ डिफरेंट करवाते हो, ठीक है। ये मेरा एक बेसिक चीज़ था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में गाइस, अगर आप में से कोई भी नॉर्मल सॉफ्ट टॉप लेता है, सॉफ्ट टॉप वाली गाड़ी लेनी है उसको, और वो चाहता है कि भाई मैं गाड़ी बनवा लूँ, तो 1,80,000 रुपये में गाड़ी मिल जाती है विदाउट पावर स्टेयरिंग, और वो बिल्कुल नॉर्मल होती है भाई, बॉडी वॉडी नहीं होती है, सॉफ्ट टॉप बना होता है। तो भाई इसी के साथ में हार्ड टॉप के लिए जाओगे जो पूरा वो पुलिस वाला टाइप का बना होता है, तो वो आपको करीबन 3,00,000 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं कॉस्ट कर जाता है, पावर स्टेयरिंग और वो सब चीज़ें भी आ जाती है। मैंने एक भाई का देखा था, जो मेरा मॉडल था वो था 2009 मॉडल, जो कि अर्लियर 2008 बताया गया था, लेकिन फिर वो 2009 निकला था, उसमें भी भाई पता नहीं क्या दिक्कत है या कि नहीं है, पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरी RC में जो है वो 2000 लिखा हुआ जो है वो 2009 ही है,
बाकी तो भाई यही इन्फॉर्मेशन है भाई। जिसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट या फिर कह सकते हैं भाई जो दूसरी चीज बहुत सारे लोगों ने पूछी, इस गाड़ी को खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो भाई देखो, इस गाड़ी को खरीदने के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल भी, मतलब अगर आप लोग कहोगे ना कि लोग कहते हैं कि मायापुरी से गाड़ी खरीदी है और भाई उसके बाद काम में काम ही कराते जा रहे हो, तो एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कोई कस्टम गाड़ी खरीदते हो और उसको अपने तरीके से बनवाते हो तो उसमें हल्का फुल्का काम आता रहता है और ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस A1 से भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहां पर लोग पूछते हैं कि भाई जितना टाइम आपने लगाया तो क्या उतना टाइम लगाना वर्थ था कि नहीं था, भाई अगर मैं उतना टाइम नहीं लगाता तो ये गाड़ी इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही होती, रोड में मे भी ये ब्रेक डाउन हो रही होती और पता नहीं भाई उसके बाद और क्या क्या होता। सो एक चीज जो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है, अगर आप में से भी कोई जिप्सी बनवाता है, कहीं से भी बनवाते हो, किसी भी जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप लोग टाइम देके अच्छे से बनवाओगे तो भाई चीज़ जो है वो सही बन जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ बताने जरा, मैंने देखो स्टार्टिंग में जो है हर चीज़ पहले ही परचेज कर ली थी, चाहे वो मेरा एग्जॉस्ट हो, स्नॉर्कल हो या एयर फिल्टर हो, तो आई वॉज वेरी मच मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये चीज़ें गाड़ी में हो सकती है और ये चीज़ें का मेरे को खर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा, तो भाई इसीलिए मैं मेंटली प्रिपेयर था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक्सपीरियंस वाइज इट्स वेरी गुड, वेरी गुड मशीन। और भाई देखो, जब प्यार से बनाई हुई चीज़ होती है जिसमें आपने अच्छी तरीके से पैसा डाल के उसको वापसी आप लोगों ने पूरे सही तरीके से पाया है, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्ट किए पैसे और उसका आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल गया है, सो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और अगर आप लोग मेरे से पूछते हो तो भाई इट वॉज A1 पूरा थम्सअप वाला सीन है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से मोर देन इनफ खुश हूँ। बाकी जब लॉन्ग राइड्स होगी तब आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइटिंग आपने कराई थी, उस लाइटिंग का क्या रिस्पॉन्स है, तो भाई थोड़ा सा पास आओ। तो भाई देखो, लाइटिंग में पीछे में अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली लाइटें लगवाई थी, जो कि मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ, सीपी में फालतू में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये ब्रेकिंग और इंडिकेटर के साथ काम करती है, इट्स गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। 450 रुपये की ली थी, वर्थ बाइंग इट। और शॉप पता नहीं कौन सी थी, लेकिन मैंने खरीदी थी 450 रुपये की थी, बढ़िया चल रही है। और उसके बाद एक चीज़ आप लोगों को और अपडेट देता हूँ भाई, जो मैंने हेडलाइट लगाई थी, देखो भाई वैसे मैं हैलोजन लवर बन चुका हूँ जब से मैंने स्विफ्ट खरीदी थी, स्विफ्ट में सब चीज़ें कराई थी, लेकिन स्टिल एक बार लाइट देखो। सो दीज वर द LED हेडलाइट फॉर जिप्सी, और ये सबसे बेस्ट थी, 108 या 105 वॉट वाली है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। इसी के साथ में एक और लाइट दिखा दो भाई, सो दिस वॉज द बार लाइट, एक बार पूरा, हाँ गुड। सो भाई एक चीज़ की और आप लोगों को गारंटी देता हूँ भाई, जो इसकी बार लाइट है वो सुपर ब्राइट है, और करोल बाग में मेरे को सुपर ब्राइट कहीं नहीं देखने को मिली, इसीलिए मैंने bangoo.com से मंगाई थी, एंड इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब इसको मैं रोड में ऐसे नॉर्मली नहीं चलाता हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, यहाँ पर कहीं पर मैं अगर आउटस्कर्ट्स में जा रहा हूँ तो वहाँ पर यूज़ करने के लिए एक अच्छा वाला फिक्स रहता है। बाकी तो भाई एज सच लाइटिंग जो है वो अंदर की है, तो अंदर की तरफ भी चलते हैं एक बार। इस तरफ से आइयो अंदर, ठीक है। ओके गाइस, तो अंदर आ गए, ये लाइटिंग देखो पहले, ठीक है। ये लगवाई थी मैंने डायरेक्ट लगा रखी है, मतलब ऑन ऑफ की इसके साथ ही है, क्योंकि इसमें जो है ना आप लोगों का बेसिकली जो लॉक होता है साइड का डोर वाला वो चल नहीं रहा, और इसको बंद करता हूँ। नीचे वाली लाइटिंग लगाई थी जो कि थी आपकी एटमोसफेयर लाइट, इट्स गोइंग ग्रेट ग्रेट सुपर ग्रेट भाई, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस लाइटिंग के साथ में। लाइटिंग के साथ साथ में आप लोगों को सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, पाइनियर का मैंने इस पे सिस्टम लगवाया था, प्लक्स के कंपोनेंट लगाए थे डिसेंट इनफ, और मेरे को जो है ना भाई देखो एक बार मेरे ऊपर दिखा दे भाई, हाँ कंपोनेंट के जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा है, क्लैरिटी वाइज इट्स रियली गुड। आप लोगों को इधर की भी लाइटिंग दिखा देता हूँ, बीच में देख लो सारी लाइटें जल रही है, ये अपनी वाइट लाइट है, ठीक है, और हेलोजन का जो रिस्पॉन्स होता वो इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन स्टिल LED इन है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब ये ऑन कर ही दिया तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सो मीनवाइल जब मेरा AC का काम हुआ था तो मेरे आगे की जो DRL थी वो बंद हो गई थी भाई, देख लो, चेक दिस आउट, इट लुक्स रियली गुड, और ये इंडिकेटर भी साथ में चलता है, ठीक है, इट्स परफेक्ट। तो लाइटिंग वाइज विक्ट्री है भाई, स्टिल गोइंग ग्रेट, थोड़ी वायरिंग सॉर्ट आउट करनी है, उसके बाद सब कुछ बढ़िया है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद जो है हम घर वापसी आ चुके हैं, रीजन केवल यही है कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मैं बाहर शूट नहीं कर पाया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि क्या मैं अपनी मॉडिफिकेशन से खुश हूँ, स्पेशली जो मैंने पूरी गाड़ी की हार्ड टॉप वाली बॉडी बनाई है उसका क्या रिस्पॉन्स है, बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं उस चीज को। तो भाई आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम मायापुरी, लेकिन मायापुरी ने बॉडी बनाने में अच्छा खासा काम किया है। 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन 19-20 का फर्क है, हाथ से बनी हुई चीज है तो भाई मजेदार है। इसी के उसमें अगर रिगार्ड में आप देखते हो तो बहुत फेमस दो तीन लोग हैं जो कि दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, इन जगह अपना काम चलाते हैं, जो कि ये हार्ड टॉप बना के देते हैं, जो कि लाखों रुपए चार्ज करते हैं बनाने का। तो भाई मायापुरी से भी काम करा सकते हो, सरदार जी ने जिन्होंने काम किया था
काम अच्छा किया है, दिखाने लायक किया है, और जो कोई भी देखता हो कहता है कि भाई बॉडी आपकी बहुत अच्छी बनी है। मेरा रिस्पांस क्या है जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है, तो भाई आप लोगों ने पीछे जो रॉडे लगी हुई देखी थी, ठीक है, जिनको पाइपिंग बोला जाता है, साइड में फुटस्टेप होते हैं, इट वॉज परफेक्ट। सुशील सर ने वो काम किया था जो कि आनंद पर्वत में, ही इज वेरी स्पेशल क्योंकि वो रैली का ही काम करते हैं, तो भाई उनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज थी, उन्होंने काम बहुत एवन करके दिया है। इसी के साथ में आप लोगों को, जिन्होंने पुराना व्लॉग नहीं देखा है, मैंने इसमें जो एग्जॉस्ट था, जो कि आवाज वाला एग्जॉस्ट था, जिसको आप लोग ऑफ रोडिंग या फिर रैली एग्जॉस्ट बोलते हो, तो वो एग्जॉस्ट हटा देता, ड्यू टू इनलीगल या फिर लीगैलिटी इश्यूज की वजह से मैंने स्टॉक वाला लगा दिया। लेट्स सी उसकी एवरेज का क्या फर्क आता है, और हाँ मैं एवरेज भी बताऊंगा आप लोगों को कि अभी तक मेरे को एवरेज क्या मिल रही है। बाकी मॉडिफिकेशन वाइज इट्स एवन, एंड मुसाफिर की साइड से भाई अपनी जिप्सी का प्यार ही अलग है, और जब बॉडी अच्छी बनी हो तो भाई खुद अफसोस है। इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, मेन मेन चीजें वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी भी सबसे मेन मुद्दा एसी का है, सबसे रिसेंट जो है एसी का काम कराया गया था, तो भाई लॉन्ग ड्राइव के उससे बात करोगे कि गाड़ी हीट कर रही है कि नहीं कर रही है, गाड़ी की जो मतलब बेसिकली हीट और कूल वाली डंडी है वो बीच में रहती है। एसी में इट्स गोइंग ग्रेट, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है। मेरी गाड़ी में जो पंखे लगे गए हैं वो बोलेरो के पंखे लगे हैं, 13 इंची के नीचे लगे, 12 इंची का आगे लगा हुआ है, आगे भी 13 ही होगा, वैसे 12 है आगे, 13 की जगह नहीं है। इसी के साथ में जो कंप्रेसर है वो कंपनी का डाला था, सेंडन 507, जो मेरे उसमें कंप्रेसर लगाया गया, सॉरी कंडेंसर जो लगाया गया, कंडेंसर भी ब्रांडेड था, और मे भी वो इंडिका या कुछ का उन्होंने बताया था। वायरिंग व्यरिंग सब कुछ परफेक्ट हुआ, रिले विले सब कुछ लगा और सब काम जबरदस्त तरीके से हुआ, इट्स गोइंग ग्रेट। एसी वाइज आपके भाई ने काफी नॉलेज शेयर की है, वीडियो से लेके तो प्लीज जाके देख लेना। इसी के साथ में सबसे मेन मुद्दा एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, तो भाई जब मैंने विदाउट एसी इसको चलाता था गाड़ी 8-9 की एवरेज दे रही थी, वहीं पर एसी के साथ ये 6 या 7 की एवरेज दे रही है फिलहाल, क्योंकि अभी इंजन बिल्कुल नया नया बंदा है, इंजन अभी रमा नहीं है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और इंजन और अच्छी तरीके से रम जाएगा तो भाई उम्मीद करता हूँ एवरेज अच्छी निकल के आएगी। बाकी हाईवे का रिस्पॉन्स जरूर बताऊंगा जब हाईवे में लेके जाऊंगा। सो गाइस देखो, एक तरीके से ये हमारी इस सीरीज की आखिरी वीडियो थी। सो मच ब्लेस कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत सारे लोग कहते थे भाई आप जिप्सी की ही वीडियो क्यों बना रहे हो, तो भाई देखो मेरी बहुत जो बड़ी एक फैमिली है उनमें से सब लोग चाहते थे कि भाई मैं जिप्सी की वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं बना रहा था। जिन भाइयों को पसंद नहीं आया तो भाई अब जिप्सी की ये फाइनल वीडियो है सीरीज की, लेकिन अगर मैं कहीं ट्रेवल करूंगा या कुछ इसमें कुछ डिफरेंट लेवल का करता हूं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर सो मच लव सपोर्ट, एंड माय जिप्सी वाला जो आप लोगों ने एक तरीके से जो कैप्शन था मेरा माय जिप्सीज, वो ही पूरा चला और आप लोगों ने अंधा प्यार दिया, इट मींस अ लॉट। आपका प्यार है तभी मुसाफिर है। तो इसी के साथ में गाइस, अगर आज के वीडियो आप लोगों को अच्छी बेहतरीन देखने एक लगी हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, आपका भाई आप लोगों को ऐसे ही प्यार भरा बिल्कुल पूरी है जो बढ़िया वीडियोस है ये लाता रहेगा। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811। सो भाई आपका भाई अब एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अगेन 2-3 चीजें तो मैं आप लोगों को क्लैरिटी देता हूं। फीचर माय कार का ऑप्शन फिर से ओपन हो चुका है, फीचर माय कार अगर आप करवाना चाहते हो फोटोज भेजो मेल में और उसकी और आप वीडियोस भेज सकते हो। लिखना है MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811@gmail.com, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करो और मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। बाकी अभी एक नया प्रोजेक्ट है उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना डालूं, वैसे मैं डालूंगा रोज ही, लेकिन काम कर रहा हूँ, आप लोगों को मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय भाई, सो मच लव, बाय बाय।